हेलो डियर स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिशन स्कॉलर और डिशन आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनआईएस क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के उनके नए अपडेटेड सिलेबस के बारे में जी हाँ डियर स्टूडेंट अगर आपकी क्लास ट्वेल्थ में हो एनआईएस में और आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है इंग्लिश का कोड है 302 सौ 302 और आपको इसके सिलेबस जो अपडेट है उसके बारे में कोई खबर नहीं है और आप वही पुराने पैटर्न से पढ़े जा रहे हो चैप्टर वन टू थ्री ऐसे करके पढ़े जा रहे हो और आपको लग रहा है आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो रही है और आपके मार्क्स तो बड़े अच्छे आने वाले हैं तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर स्टूडेंट मैं आपको इस अपनी वीडियो में बताने वाली हूं कि कैसे आप अपने जो नए सिलेबस है उसको जो अपडेट हुआ सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं और केवल कम चैप्टर्स पढ़कर आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो क्योंकि डियर स्टूडेंट इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो काफी ज्यादा लेंदी होता है आप देख सकते हो तो टोटल नंबर ऑफ लेस जो होते हैं ना वो थर्टी सिक्स छत्तीस चैप्टर्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है जो काफी अपने आप में पेनफुल होता है क्योंकि बच्चे इसको उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो प्रिपरेशन वाले आते हैं आई टी जी वाले आते हैं और वो फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफर नहीं कर पाते और उनको लगता है थर्टी चैप्टर पढ़ना तो काफी ज्यादा लेंदी भी है और फिर उनके

तो थो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये थर्ड सिक्सटी परसेंट और फोर्टी परसेंट है क्या ये डिवाइडेड क्यों है कैसे रिड्यूस uh, हुआ है हमारा सिलेबस तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए टीएम में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सबमिट करना होता है जिसमें आपको फिर थ्योरी का ट्वेंटी परसेंट मार्क्स मिल जाता है जो कि आपके जो ओवरऑल रिजल्ट पे अच्छा इंपैक्ट डालता है और आपके जो परसेंटेज होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है तो डे आप देख रहे हो जो टी एम के लेसन होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं वो इन लेसन से रिलेटेड होते हैं लाइक चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव इलेवन फिफ्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके टी एम ए पूछे जाते हैं और आपको पता है कि इस फिर जो चौदह चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर्स फोर फोर्टीन फिर ये जो टीएमए में एक बार आने के बाद इन चैप्टर्स को आपको वापस से नहीं पढ़ना होता जी हा डियर स्टूडेंट यानी कि आपका जो सिलेबस है वो थर्टी रिड्यूस होके रह गया ट्वेंटी तो देख रहे हो चैप्टर वन टू ये अभी आपको नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते मैंने देखा है उनको पता ही नहीं होता है और उनको लगता है कि चलो हमने हम, हम लोग स्टार्ट कर तैयारी अपना वन टू थ्री ऐसे करके चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जबकि ये चैप्टर्स टू एग्जामिनेशन में आई नहीं रहा और वहीं पर वो फेल कर जाते हैं और जहां पर उनको लगता है ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनपे वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं जबकि होता उल्टा है यही चैप्टर्स जो होते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके लिए निकल के आते हैं तो डिस्ट्रो मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ कौन चैप्टर आ रहा है कौन से नहीं आ रहा चैप्टर वन माई फर्स्ट स्टेप ये नहीं आ रहा है चैप्टर टू इसी तरीके से नहीं आ रहा है थ्री भी नहीं आ रहा है फोर भी नहीं आ रहा है फाइव भी नहीं आ रहा है आएगा क्या ये आपका सिक्स चैप्टर जो देख रहे हो ये आने वाला है माई ग्रेंड मदर्स होम और फिर सेवंथ भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है ये भी आने वाला आपके एग्जामिनेशन मैं एट भी आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है और नाइन्थ भी आपके इस बारी एग्जाम में आने वाला है टेंथ भी आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है बीच का एक चैप्टर गायब है क्योंकि वो है आपके टीएमए का चैप्टर रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है पब्लिक एग्जामिनेशन में इस तरीके से ट्वेल्थ आने वाला है चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में थर्टीन आने वाला है और फोर्टीन आने वाला है फिर एक बीच का चैप्टर मिसिंग है फिफ्टीन जो की आपके एग्जामिनेशन नहीं आने वाला है पब्लिक वाले सेवनटीन भी आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है और इसी तरीके से एटीन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड देन यहाँ पर फिर आप देखोगे दो चैप्टर कैप है है, 20, पे एक चैप्टर का गैप है ट्वेंटी जो कि अगेन से आपके सिलेबस में नहीं ऐड हो रहा है एग्जामिनेशन के ट्वेंटी वन से आ रहा है ट्वेंटी टू फिर से गैप है जो कि नहीं आने वाला है देन ट्वेंटी थ्री भी आपके ए, एग्जामिनेशन में आएगा एंड देन ट्वेंटी फोर ये भी आने वाला है तो आपको इतना ही पढ़ना था और इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुक टू से क्या पढ़ना है बुक वन से आप समझ चुके हो बुक टू से केवल हमें ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं केवल नंबर ऑफ लेसन्स की बात कर लू तो केवल वो ट्वेंटी टू ही पढ़ने हैं अगर बुक टू की बात की जाए तो बुक टू का जो थर्टी चैप्टर है वो हमें नहीं पढ़ना है ठीक है इस बार नहीं आ रहा एग्जामिनेशन में एंड देन ट्वेंटी सेवन बी भी नहीं आ रहा आपके एग्जामिनेशन में एंड थर्टी बी भी नहीं आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में थर्टी ए भी दोनों नहीं आ रहा है ट्वेंटी बी नहीं आ रहा है तो ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है आ क्या रहा है ए आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी uh, का बी ये भी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी का ए और ट्वेंटी का ए ट्वेंटी का बी ट्वेंटी का का भी दोनों आ रहा है, and then 31 का B आ रहा रहा है नहीं आएगा ठीक है तो ये था आपके बुक टू से रिलेटेड चैप्टर जो मैंने पे बताया कि कौन से आपको पढ़ने हैं कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं इस तरीके से बुक वन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है तो अभी केवल हमें बारह तो अभी केवल हमें बाइस चैप्टर ही पढ़, पढ़ने हैं सो डियड आई होप की वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प uh, करेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना डियर स्ट्रेंड जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तो तक अपना ध्यान रखिएगा लोगों की हेल्प करती रहेगा थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग